क्या आपको अपने दोस्तों के साथ कैफे और रेस्टोरेंट जाना पसंद है? आप अगली बार एक रेस्टोरेंट या कैफे जाएं, तो आप देखिएगा उसका थीम क्या है, क्या उसकी छत पे पाइप्स दिख रहे हैं, उसके फील उस रेस्टोरेंट की या उस कैफे की क्या है। मैं आज आपको इंटीरियर स्टाइल के बारे में बताने वाला हूँ, जो आप अपने घर में भी वैसा ही कैफे लुक, एक इंडस्ट्रियल लुक, एक फैक्ट्री लुक बना सकते हैं। यस, दिस इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल स्टाइल। हाय, माय नेम इज शशांक जैन, आई एम को फाउंडर ऑफ वुडोफा इंटीरियर्स। वेलकम टू माय चैनल वुडोफा। आज मैं इस थीम के बारे में बात करूंगा, जो कि 1970s, 1980s में अमेरिका एंड यूरोप में बहुत पॉपुलर थी। वहाँ पर उन दिनों पुरानी पुरानी फैक्ट्रीज को बहुत सारा कन्वर्ट करके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में बनाया जा रहा था, या एक रेजिडेंशियल टाउनशिप बनाई जा रही थी। तो वहाँ से इस थीम का जन्म हुआ। सो दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल, वेयर यू सी लॉट ऑफ रस्टिक एलिमेंट्स, लॉट ऑफ रॉ एलिमेंट्स, लॉट ऑफ नेचुरल पाइप्स, मे बी प्लम्बिंग पाइप, मे बी वायर्स, मे बी मेटल फर्नीचर, मे बी ब्रिक मैट्स, मे बी प्लस्तर, मे बी बहुत सारी रॉ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। बिफोर आई गो डीप इन टू इट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट द बेल नोटिफिकेशन आइकन देयर, भूलना मत उसको बिल्कुल भी क्लिक करने को। सर, टुडे दिस एम्ब्रेस्ड इंडस्ट्रियल रग्ड फील इज़ वेरी पॉपुलर अमंग कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स। वहाँ तो आप इसको बहुत ज़्यादा देखेंगे। और एक एज अ डिज़ाइनर, सो बींग अ डिज़ाइनर माई सेल्फ, बहुत मज़ा आता है इस थीम को बनाने में, बिकॉज यू आर एबल टू पुट योर क्रिएटिव माइंड्स एंड यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स देयर। एक घर में इंडस्ट्रियल फील को बनाना और भी मज़ेदार है। आप अपने डिज़ाइनर को बोल सकते हैं कि मेरा एक एंटरटेनमेंट रूम, या मे बी मेरा एक डाइनिंग रूम, या मे बी एक लिविंग रूम को इंडस्ट्रियल का थीम बना दीजिए। जी हाँ, एक घर में दो थीम्स भी हो सकती हैं, बट यस, एक एरिया में एक ही थीम होनी चाहिए आइडियली। तो जब आप इंडस्ट्रियल थीम की शुरुआत करें, सबसे पहले ये सोचें कि आप अपने घर में फॉल सीलिंग को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। मे बी वहाँ पर एक वायर्स, मे बी एक वायर के पाइप्स, मे बी एक कंड्यूट्स, उनको डाल दीजिए। ब्लैक ज़रूरी नहीं है पेंट करना, या ज़रूरी नहीं है डार्क पेंट करना, लाइटर कलर्स ऑफ पेंट भी रख सकते हैं सीलिंग पे। मे बी वॉल्स पे थोड़ा सा डार्क कलर डाल दीजिएगा, मे बी कुछ और एलिमेंट इंडस्ट्रियल के या मेटल के डाल दीजिएगा, उससे आपके घर की फील इंडस्ट्रियल होनी शुरू हो जाएगी। सो जैसे कि इस थीम का नाम है इंडस्ट्रियल, तो दैट मीन्स रॉ, दैट मीन्स जैसा फैक्ट्री में होता है। क्या आप किसी फैक्ट्री को कभी विजिट किए हैं? तो आप देखेंगे वहाँ पर प्रोडक्शन में मशीन्स पड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा गंदा पेंट होता है, मे बी ऑयल्स लगे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अपने घर को भी वैसा रखिए, बट मैं बोल रहा हूँ एक फील इंडस्ट्रियल की डालनी है तो डार्क कलर्स को तो डालना ही होगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द हाउस। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप है इसकी, मेटल का फर्नीचर। आप देखते हैं रॉट आयरन का फर्नीचर, या मे बी ब्लैक मेटल, मे बी येलो मेटल, मे बी डिस्ट्रेस मेटल, उस तरीके का अगर आप फर्नीचर डाल देंगे अपने घर में, तो इट विल गिव यू दैट फील ऑफ इंडस्ट्रियल होम। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका डाइनिंग स्पेस है, तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पर टिपिकल डाइनिंग टेबल रखना। आप एक रॉ लॉग्ड वुड की टेबल बनवा लीजिए, मे बी बहुत सारी जगह आपको एक कच्चा लकड़ी का पीस मिल जाएगा, उसी से अपनी टेबल बनवा लीजिए और नीचे उसके अंदर एक रॉड लगा दीजिएगा। इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें आपके डिज़ाइनर को भी बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, बट आई एम टेलिंग यू, अगर आपको मज़ा आया, डिज़ाइनर को मज़ा आया, ऑब्वियसली आपने उसको उतना पे किया है कि उसे मज़ा आए, तो उसे आपका घर अच्छा बनाने में बहुत मज़ा आएगा। द नेक्स्ट एलिमेंट टू बी डिसाइडेड इज सिंप्लिसिटी। इस घर में बहुत ज़्यादा फैंसीनेस की ज़रूरत नहीं होती। आप इस घर को जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा लगेगा। मे बी मैं ज़रूर बोलता हूँ कि पेंटिंग से, मे बी वॉलपेपर से एक बोल्ड स्टेटमेंट लानी ज़रूरी है, या मे बी एक इंडस्ट्रियल स्टेटमेंट लानी ज़रूरी है, बट द मोर सिंपल इट इज़ द बेटर इट इज़। Try to use light wooden colors, American oak या pine wood के जो colors हैं बहुत popular हैं इस फील के लिए। अक्सर आप देखते हैं बहुत सारे restaurants में pine wood को use किया जाता है ceilings पे, wall paneling पे, या maybe flooring पे, तो वो आप भी use कर सकते हैं। पर इस घर में कुछ ना कुछ bold statement भी ज़रूरी होता है। So maybe एक lamp, floor lamp रख लीजिए आप, जो कि typical आप आजकल अर्बन लैडर या लॉट ऑफ पेपर फ्राई या लॉट ऑफ वेबसाइट्स आर देयर इन द कंट्री, जहाँ पर आपको ये टिपिकल लैम्प्स मिल जाएंगे, मेटल के लैम्प्स मिल जाएंगे, या मे बी एक बायोस्कोप रख लीजिए, मे बी एक हैंगिंग लाइट के अंदर वो फील डाल दीजिए। तो कहीं ना कहीं उस घर के अंदर बोल्ड स्टेटमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है।
इस घर को आप जितना अनफिनिश रखेंगे उतना ही मजा आएगा। सो व्हाट आई मीन टू से इज, दीवार पे आप प्लस्तर ही मत कराएं। जब आपने अपना घर बनाया उसको बोलिए आप प्लस्तर नहीं करें, और दीवार पे डायरेक्टली एक रेड ब्रिक को ऊपर पेंट कर दीजिए, मे बी नेचुरल का पेंट कर दीजिए या पीयू पॉलिश कर दीजिए, और ब्रिक का टेक्सचर रहने चाहिए। फ्लोरिंग को कोई ज़रूरी नहीं है फैंसी इटालियन मार्बल को डालना, मे बी एक टाइल को डालना। वॉट यू कैन डू इज यू कैन कीप इट रॉ। यस, कंक्रीट की फ्लोरिंग भी रख सकते हैं, उससे भी ये घर का फील बहुत ही चकाचक ज़बरदस्त बन सकता है। बहुत सिंपल है, पैसे भी बच जाएंगे। देख लो, मैं आपके पैसे भी बचा रहा हूँ, पैसे भी बच जाएंगे और मज़ा भी आने लगेगा। सो यू कैन यूज़ दैट काइंड ऑफ थीम ऑल्सो वाइल मेकिंग अ इंडस्ट्रियल होम। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट गाइज, लाइट्स। आप हमेशा बोलोगे शशांक यार आप लाइट्स के बारे में बहुत बात करते हो, किसी न किसी लाइट वाले से आपने सेटिंग करी हुई है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट व्हाट आई फील, लाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी घर की फील, ट्रेडिशन, इंटीरियर्स, बोहेमियन, मॉडर्न या कोई भी इंटीरियर्स की आप बात कर लो, लाइटिंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सो आप एक फिलामेंट बल्ब को यूज़ कर सकते हैं, मे बी एक डार्क हैलोजन बल्ब को यूज़ कर सकते हैं, और उसी से आप एक पेंडेंट लाइट बना सकते हैं। एक तो गाइस इस फील को बनाना ना बहुत ही चीप है, बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होते इसको बनाने के लिए, बट दिमाग बहुत खर्च होता है। एंड गाइस, अगर एक डिज़ाइनर को उतने पैसे नहीं मिलेंगे वो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ डिज़ाइनर के पैसे बचाने की जगह आप बोलो डिज़ाइनर को आप मेरे से पैसे लो, बट मेरा घर की फील अच्छी बना के दो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गाइज, दिस इज़ फॉर द इंटायर कम्युनिटी ऑफ डिज़ाइनर्स, आई एम टेलिंग यू, यू कैन एक्सपेरिमेंट दिस थीम फॉर लॉट ऑफ योर क्लाइंट्स, एटलीस्ट सजेस्ट दैम। जिसका वो नेचर है, जिसका वो टाइप है, जो एक एंटरटेनमेंट रूम को अफोर्ड कर सकता है, उसको ज़रूर ये थीम सजेस्ट करें। आई एम श्योर उसको बहुत मज़ा आएगा। ये थीम आउटडोर एरियाज़ में भी यूज़ की जा सकती है, मे बी इन गजीबोज, मे बी इन बैल्कनीज, मे बी इन पार्किंग्स, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलें। आप अपने घर की मेरे को पिक्चर्स भेज सकते हैं, अपने पुराने ट्रंक्स की, अपने पुराने सामान की। मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि इसको क्या करें और अपने घर की फील को क्या इंप्रूव करें। थैंक यू गाइज फॉर ऑल द लव। मुझे ऑलरेडी बहुत सारा लव पूरे दुनिया से मिलता है, लॉट ऑफ पीपल कमेंट, एंड आई गिव एज मच एज पॉसिबल। मैं जितनी कोशिश करता हूँ वापस देने की, मैं ज़रूर लोगों को रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज़।